आज हम पढ़ रहे हैं विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉयर यानी मालिक जो है अपने नौकरों को तनख्वाह देगा तो वो उनकी अगर सैलरी 33,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स उसको लेना पड़ेगा, उसका काटेगा। कैसे होगा ये? हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं मिसाल के तौर पर असलम है हमारा एम्प्लॉय, इसकी बेसिक सैलरी पर मंथ 1,00,000 रुपये है, डी ए इसका 15,000 पर मंथ है, हाउस एंड अलाउंस इसका 11,667 पर मंथ है, ठीक है। इस हिसाब से इसकी जो टोटल सैलरी है मंथली वो बनती है 1,26,667, ठीक है। वापस से देखते हैं, 1,26,667 बनती है मंथली। अच्छा ईयरली देखें, ईयर में हम देखते हैं तो इसकी ईयरली सैलरी बनती है इसी अमाउंट को 15,20,000। 15,20,000 पे हम देखेंगे कि इसका टैक्स क्या बनता है। टैक्स बनता है 15,00,000 पे स्लेव नंबर 6 पे फिक्स है 92,000 और 20,000 एक्स्ट्रा पे 15% के हिसाब से 3,000 तो 95,000 का टैक्स बनता है इस आदमी का। जो हम इसको सैलरी देंगे पूरे साल में तो अपने 15,20,000 रुपये इसको हम सैलरी देंगे और ये शख्स खुद 95,000 गवर्नमेंट को साल के आखिर में देगा। ये विद होल्डिंग कहता है कि आप ऐसा नहीं करें, वो ये करें कि इस मंथली टैक्स को ईयरली टैक्स को 95,000 ईयर का टैक्स है उसको मंथ पे कन्वर्ट करें। मंथ पे हमने कन्वर्ट किया 12 से डिवाइड किया तो 7,916 पर मंथ आ गया। और हमने पहले बताया था आपको कि आगे पर मंथ की सैलरी ले रहा है 1,26,667। इसमें से जो इसका टैक्स बनता है इसको जो मालिक है कंपनी का वो काट लेगा और इस आदमी को 1,18,751 रुपीस दे देगा। और ये क्या करेगा, इस अमाउंट को ये दे देगा गवर्नमेंट को और ये अमाउंट जो होगी वो चली जाएगी मुलाजिम। इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पूरे साल में 7,916 के हिसाब से 12 महीने में ये 95,000 से मिल जाएगी। गवर्नमेंट को ख्याल ये है कि जो नौकर होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज के अंदर चाहे वो मैनेजर हो डायरेक्टर हो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, इसलिए कंपनी का मालिक जो है इदारे का मालिक वो ये करे कि टैक्स काट के उन पेमेंट करे सैलरी पर मंथ ताकि गवर्नमेंट को पैसे मिल जाए। इसमें एक फ़ायदा गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट का स्टाफ इसमें यूज़ नहीं हो रहा, कंपनी का जो मालिक है इदारे का जो मालिक है वो टैक्स काट रहा है और वो गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट नहीं है टैक्स की कलेक्शन में। इसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं कि जहाँ जो टैक्स जो पेमेंट कर रहा हो चाहे वो कंपनी का मालिक हो इदारे का मालिक हो वो टैक्स पेमेंट करने से पहले सैलरी देने से पहले कोई पेमेंट करने से पहले वो काट ले पैसे, गवर्नमेंट का हक जो बनता है वो गवर्नमेंट को दे दे और जो एम्प्लॉय का हक है वो एम्प्लॉय को दे दे।